टाइम पास के लिए कुछ करते हैं। मूंगफली, करकराड़ी मूंगफली, ताजा ताजा गरम गरम मूंगफली। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं और आज चला रहा, आप देख रहे थे व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे राजीव सलार, आप यार आप देख रहे राजीव सलार। अरे चुप दो, चुप। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं नसीर यार। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं राजीव सलार, आप देख रहे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रे इन व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश नहाने के लिए। नहाने के लिए जा रहे हैं। मेरे व्लॉग में सेम ऐसी हरकतें करता है जो कि मैं आपको दिखाता नहीं। तो आज ये व्लॉगिंग कर रहा था, मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा था। अब इसे पता लगेगा कि डिस्टर्ब करना एक चोर किसे कहते हैं। पता लगा, फोन फूकता है ना। तो फाइनली हम जा रहे हैं सारे के सारे हरिद्वार स्नान करने के लिए। तो अभी मैंने तो अपने इस बैग में कपड़े रख लिए हैं। बाकी हमारे यहाँ पे निशांत भाई तैयार हैं, भाभी चल रही हैं और चाचा जी हमारे यहाँ बहुत तगड़ी नींद ले रहे हैं अभी। मम्मी चाची जी शायद कल जाएंगी, आज मिस्सी और भाभी जा रही, क्योंकि आज हमारा जो टूर प्लान है वो अचानक से बना है। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, मेरा फ़ोन मुझे मिल नहीं रहा बहुत देर से। और चुन्नू भी मेरे व्लॉग में आएगा, देखो हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। हमारे प्रिंसिपल सिंह कह रहे हैं, इन्हें इन्हें सबको ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए हरिद्वार से क्या लेकर आए। क्या लाओगे मेरे खतर भाई? जो तुम कह दो। कड़ा ले आओगे? एक कड़ा और एक माड़ा लाइयो बस। ठीक है भाई, तुम्हारे ब्रिजपाल ताऊ के लिए एक कड़ा आएगा, एक एक माड़ आएगी। बढ़िया लाइए, देख सोनी बढ़िया लाओ ना। पैसे ले ले मेरे पे। अरे नहीं, कैसी बुद्धि लाइए यार, देखो ये तो ब्रिजपाल ताऊ बुद्धि बात कर रहे हैं। महंगे वाली लाइए सबसे बढ़िया। तो भाई सब आ लिए हैं यहाँ पे चलने के लिए तैयारी में। चाची जा रही है, आ जाओ आ जाओ चुन्नू, आ जाओ फटाफट। हेलो बोल दे, हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम कैंपर भर रहे हैं रास्ते में पानी पीने के लिए। चलिए जल्दी, देर मत कीजिए, पूरी तैयारी से है भाई हम। नीचे उतरो भैया, मुझे भी आगे बटन देते। चलो आप क्या करोगे, आप दो हड्डी का आदमी, आप कहीं फंस जाओगे। टूटू के लिए इतनी अच्छे से रिस्पेक्ट देने के लिए। तो हम निकलते हैं धीरे धीरे। अरे आ जाओ जल्दी, चलो भैया आप चलेंगे तभी। चलो भाई ग्राउंड से निकलते हैं अपने। जय श्री राम। किसके देखोगे? काली हो रही है थोड़ी, ठीक है। इसमें आई फ्लू होगा ना? नहीं, काली तो ये हो रही है। आई फ्लू तो होके जा लिया ना भाई, आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा हद हो रही है। ये जो टूर है हमारा भाई, 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें करना चाहिए था कम से कम 9 बजे सुबह स्टार्ट, और हम अब शुरू कर रहे हैं इसको। चलो निकलते हैं, दूसरी गाड़ी आ रही होगी पीछे। और देखो बारिश कितनी है इधर, सारे में बारिश ही बारिश हो रखी है। तो अभी आ चुके हैं हम अपने रुड़की से, रवाना हो चुके हैं, और पीछे निशांत भाई की गाड़ी आ रही है। अभी हम तक नहीं दिखी कहाँ है वो, अब हम उनका इंतजार करेंगे। रुड़की निकलती है सोनाली सेतु, ठीक है, जो रुड़की की एक नदी है जो अभी हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा हेडलाइट में लगी है बारिश के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे मगरमच्छ लोगों के घर तक उन्होंने अटैक किया है रुड़की में मगरमच्छों ने, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उफानों पर थी, तो आसपास के गाँव भी इसके चपेट में आए थे। तो वो नदी भी आपको दिखाते हैं, शायद अब तो उसका पानी उतर गया हो, ये सारे खेतों में टूट गया पानी था सारे में इधर तक। तो अभी भाई निशांत भाई जितना है इतना यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं। तो ये रुड़की की सोनाली नदी है यहाँ पे, अब तो कुछ भी ना, आपको वहाँ पे निशान दिख रहा होगा, उन खेतों तक सारे में पानी था, उधर सारे में पानी पानी था। अब तो बहुत कम पानी आ रहा है, पर अब भी बहुत ज़्यादा मानी उस पानी को, कम मत मानो भाई, चीटी से लग रही है। आदमी भी खड़े हुए वहाँ पर और इधर जा रही है, सबकी फसलें बर्बाद होगी जिन्होंने नदी में खेती की हुई थी। और हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है ताकि निशांत भाई आए और हम आगे का प्लान करें। थके हाल इन्होंने कितनी देर करी, अब बताओ कहाँ का क्या सीन है। ठीक है चलो निशांत भाई, तब रुकना कहीं नहीं, अब थोड़ा जल्दी करो। ओके डन, आप हम कम से कम 15 मिनट के खड़े हैं ऋषिकेश और आते हरिद्वार। गाइस अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार में, हरिद्वार में अभी भी कावड़ पूरी हो चुकी है, पर आप सामने देख रहे हो भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे जा रहे हैं, मतलब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बहुत से बाद में जाते हैं जल लेने के लिए, क्योंकि भाई रुक जाए मिनट। तो अभी हमारा प्रोग्राम है मनसा देवी का, तो मनसा देवी जाने के बाद हम जाएंगे चंडी देवी, जैसे कि अभी हमें पता लगा है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद
हम करेंगे गंगा स्नान, हमें जाना था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में भी हमें पता लगा है कि आगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ऋषिकेश में, और यहाँ से देखने में भी ऐसे लग रहा है जैसे वाकई में बारिश हो रही होगी। तो वहाँ पे जानने वालों को ऐसे कॉल करके पूछा था। पार्किंग में हमारी गाड़ी लग चुकी है, एक यहाँ पे लग चुकी है, एक वहाँ लग चुकी है। तो अब आगे का सफ़र हमारा शुरू होगा। और यहाँ अंधेरा बहुत है पार्किंग में। भाई शुरू करने वाले हैं, हरकी पौड़ी को क्रॉस करते हुए मनसा देवी के लिए जाएंगे। तो अभी आप आए पहले यहाँ पे कभी? हाँ, पहले कभी आई थी। पहली बार? शादी से पहले कभी। शादी से पहले आए थे परिवार के साथ, फैमिली के साथ? याद नहीं है। चलो भाई, चाचा चाची भी आ चुके हैं हमारे। चले बच्चों, मनस्वी तू कितनी बार आई? कई बार आ चुकी। कई बार? चार पाँच छः बार हैं। हमारे साथ तो पहली बार जा रही है ना। ओ भाई, चलो हमारे साथ पहली बार जा रहे हैं, तो शादी के बाद इनका पहली बार है। टैटू वैटू बनवाने के पापी जी? मनोज जी टैटू बनवाने? हाँ देख, जैसे टैटू हुए हैं सब उस साइड ना, उस साइड हर की पौड़ी है वहाँ। बादल देख कितना गजब होगा, और ऊपर है मनसा देवी वहाँ पे। तो अभी मैं वाइड एंगल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको पता लगे कि मैं एक्चुअल किस जगह पे हूँ और क्या शूट कर रहा हूँ। तो प्रॉपर तरीके से आप इस जगह को फील कर सकते हो इस वाइड एंगल के थ्रू। बहुत ही बेहतरीन प्लेस। टैटू बनाना, चलो भाई देखते हैं इसके टैटू वैटू भी बनवाएंगे कहीं देख के। मनसा देवी शायद इस साइड जाना होता है, पूछ लेंगे किसी से, है ना भाई। मनसा देवी के लिए कहाँ को जाना पड़ेगा? नीचे जाके बिल्कुल सीधा। ठीक ठीक, थैंक यू, आ जाओ। तो मनसा देवी से हम आपको दिखाने वाले हैं ऊपर से पूरा हरिद्वार कितना खूबसूरत लगता है। और आज हम ऐसे मौसम में आए हैं कि थोड़ा ठंडा भी है और भीड़ इतनी भी नहीं है जितनी हमने सोच रहे थे, क्योंकि भाई सावन चल रहा है तो भीड़ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भीड़ ज़्यादा होगी। तो भाई बहुत बारीक बारीक सी गलियाँ हैं जिससे हम होके जा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम पीछे आ रही है। मनसा देवी पैदल मार्ग, चढ़ाई शुरू हो चुकी है और बच्चों की हालत तो कैसा है चाची जी? कुछ नहीं, खतरनाक है, सब मजबूत हो जाएगा। जो कुछ चीज़ें शरीर में घटी बड़ी रहती हैं वो सब सही हो जाएंगी आज, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऐसी जगह तो भाग के मजा आता है, बस थोड़ा हल्का पैर मत रखियो कोई भी। कैसा रहा छोटा सा टुकड़ा, आपको देख के कैसा लगा? ठीक था, ठीक था। चलो 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 बड़े चढ़ो, मोबाइल हाथ में मत रखना भाई, कोई भी जेब में से निकाल लो ऊपर ली मोबाइल, भाई इनका लंगूरों का खतरा है। भाई सब खुले खिला रहे हैं यहाँ पे तो लंगूरों का है। तो बीच में आ चुके हैं, एक रोड ये भी है भाई मनसा देवी की, ये थोड़ी लॉन्ग पड़ती है पर आरामदायक रोड है। हम सीढ़ियों से आए हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सबकी गाड़ी ज़्यादा धुआं फेंक रही है ना। सब प्यासे हो चुके हैं, पानी लेना पड़ा बीच में। ये एक और सीढ़ी आ चुकी है, वहाँ से यहाँ तक आया, अभी यहाँ से अभी और। A few moments later. भाई साहब क्या चढ़ाई है, और यहाँ से पूरा हरिद्वार दिखने लगा है। ट्रॉली से नहीं है तो सीढ़ियों से जाने फायदा है, नीचे फोटोग्राफी चल रही है हर मोड पे। बच्चों जिसे चलना था चल लो, भैया जी आ रहे हैं। तो भाई देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, भयंकर वाली, अल्टीमेट एकदम, पर उमस पूरी हो रही दबा के। भाई अभी हम यहाँ आ चुके हैं, जितना हमारी टीम के पीछे से आगे आए हैं इतना हम यहाँ चढ़ के देखते हैं। आ जा बाबू, आ जा आराम से, आशा आराम से चल। तो वहाँ जितना वो सामने में दिख जाएंगे आते हुए, इतना हम यहाँ का अलग टूर मार जाते हैं।
होगा कुछ है नहीं आस्था, मजा नहीं आ गया? आया तो जाना वापस। हाँ जा। ओ भाई यू क्या है इधर, बिल्कुल खाई है इधर तो। आस मनस भी पीछे हो, आस्था पीछे हो, पीछे इधर मत देखिए, मेरा कैमरा चेक कर लेगा। तो भाई कैसा मनस भी, मज़ा आ गया। और मनसा देवी मंदिर हमारे जस्ट पीछे है यहाँ पे। तो भाई ये पूरा यहाँ से हरिद्वार दिख रहा है, बढ़िया बेहतरीन। उधर सामने बादल उड़ रहे हैं पहाड़ों में लगते हुए, और इस साइड है चंडी देवी मंदिर सामने, यहाँ पे चंडी देवी। और ये गंग नहर हरकी पौड़ी वाली नीचे, वो पीछे वाली है ये वाली। और देखो सारे में पानी पानी है भाई, यहाँ से नज़र जा रही है, और सारा का सारा फॉरेस्ट है। चलो वहाँ भी चल रहे हैं, हमारी टीम के लोग आने वाले होंगे भाई, कभी इंतज़ार देख रहे हैं, आ जाओ। अगर ये जगह कितनी सुंदर होगा यहाँ पे भाई, हम ये गंदगी ना करें, नेचर बहुत खूबसूरत है। और सामने के पहाड़ देख कितने हरे भरे हो रहे हैं, मनुष्य भी सामने के पहाड़ ध्यान से देख। चलो भाई अब हमें ऐसे ऐसे चढ़ के ऊपर जाना है, एक एक पैर राइट में एक लेफ्ट में, ऐसे कंट्रोल होता रहेगा। मनुष्य भी आराम से काम मत बढ़ा लिया यार तू, रुक जा हाथ पकड़ ले। आस्था एक पैर धर रखे कि धर रखना, मेरा हाथ पकड़ लिया एकदम। अरे आज डर मत, चल जल्दी। अरे चल इसमें रखना, गहराई में, गहराई में रख लेना, ये सीढ़ियाँ तो हैं। एक पैर यहाँ रख, एक यहाँ रख, छोड़ दे छोड़ दे, बस बस गुड। इतने डरपोक लोग कहाँ से आते हैं भाई। चलो उतर गए। प्रज्ञा का देवू ने पागल बना रखा है, चोरी से आगे भाग जाता है, अब लगने वाला है उसके टूट के हाथ का। ऐसे बिना बताए मत जाएगा, समझ गया? यहाँ के लुक के बैठा हुआ ढूंढते फिर रहे तुझे वहाँ सारे, तेरे से लेट हुए हैं 5 मिनट। मंदिर के एक छोर पे आ चुके हैं, क्योंकि आपको पीछे दिख रहा होगा ये मंदिर का पार्ट आ चुका है। अभी यहाँ से रोड है और सामने से फिर हम लेफ्ट लेकर ऊपर मंदिर में जाएंगे, तो वहीं से हम प्रसाद ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी पीछे टीम का इंतज़ार कर रहे हैं, पीछे अभी वो आए नहीं, तो बस थक रहे सारे बहुत बुरे, और इसने सबका बेवकूफ़ बना रखा है, आगे भाग गया था बिना बताए। कितनी खूबसूरत जगह होकर यहाँ गंदगी ना फेंके हुई है ना, देखो भाई इतनी अच्छी जगह है, आते हैं हम दर्शन करने और लोग यहाँ पे क्या करके रखते हैं, और बोलते हैं मनोकामना मांगने आए थे, माता रानी खुश हो जाएगी। ऐसा यार हमारे चाचा चाची भी आ चुके हैं, और हालात बहुत गंभीर हैं मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं निकल रहा। ऐसा सब माता की शक्ति है। नहीं नहीं आपकी अभी चेंज हो चुकी है अब। वो गर्मी का असर था। बाकी कोई समस्या। चलो आप लेडीज इधर रख लो, जेंट्स इधर रख लेते हैं चप्पल, दोनों का भला हो जाएगा ना। प्रस्थान कीजिए, अपनी चप्पल रख लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ जाते हैं माता जी के द्वार पे, और यहाँ पे हम कुछ फोटो क्लिक करते हैं फैमिली के साथ। जय माता दी। और भाई यहाँ तो भीड़ तगड़ी हो रही है, आ जाओ जल्दी चलो। चाची जी कहाँ हैं, आगे क्या? ओम जय माता दी। तो यहाँ भीड़ बहुत है भाई, अच्छी खासी यहाँ से भीड़ शुरू हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं कि अब ब्लॉगिंग थोड़ा आगे चल के करते हैं, मतलब माता रानी के गेट के आसपास। आगे वीडियो अलाउ नहीं है मनसा देवी के मेन द्वार की। A few moments later. दर्शन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया हुए दर्शन, और अब पूरी टीम यहाँ पे थकी हुई है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जाने वाले वहाँ हाइट पे, तो बीच में जहाँ पे मैं और मनस्वी गए थे वहाँ इनको कुछ फोटो वोटो कराने हैं, उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे, और शायद अब की बार हम जाएंगे उड़न कटोले से, है ना। अब हम जा रहे हैं पैद नीचे, और नीचे से फिर ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे हम ट्रॉली से, क्योंकि चाची जी जो है उनकी इच्छा नहीं है, मेरी तो इच्छा थी कि भाई हम पैदल ही जाएं नीचे, क्योंकि नीचे उतरते किसी को जोड़ नहीं पड़ता, पर यह ट्रॉली का अनुभव मिल जाएगा, है ना, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। निशांत भाई और भाभी जा चुके हैं उधर वहाँ पे, तो हम वहाँ फिर से जा रहे हैं। हम तो जब आए थे जब बहुत ठंडी हवा थी यहाँ पे, मनस्वी नहीं आई, मनस्वी नीचे बैठ गई वहीं पर, वो आ गई थी एक बार, कह रही मैं घूम के आ गई। और ये देखो हमारा देसी बच्चा कैसे बैठा हुआ, ना ना कुछ नहीं है यहाँ नीचे,
बिल्कुल पैराशूट लेके जंप मारते हैं मिशन इम्पॉसिबल की तरह तो इसको हाथ में लेके देखो ग्रीनरी देखो यहाँ कितनी है ध्यान से ग्रीनरी है ना। चलो मैं फोटो ले रहा हूँ यहाँ सब बच्चे टूटू थोड़ा सेल्फी देख के सेल्फी सेल्फी थोड़ा देख के मैं कह रहा हूँ उधर कुछ नहीं है पीछे। तो यहाँ पर हम फिर से कुछ फोटो क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ से सबने नज़ारा ले लिया। मैंने आपको दिखाई दिया था गर्मी हो रही है बहुत फिर से पसीने आने लगे वहाँ तो अच्छी खासी हवा लग रही थी जहाँ चप्पल निकाल रखी थी हमने आराम से उतरियो निशान इधर से ना जाओ इधर से आ जाओ यार आस्था से गई थी यार कर क्या रहे इधर आस्था से गई थी बढ़िया ही हो कह रहे उधर मत आओ इधर भाई ओ भाई बिना परमिशन के नहीं ना ऐसे नहीं आराम से चल आराम से तुझे पहाड़ों का नहीं पता मुझे मैंने बहुत नजदीक से देख रखे पर आराम से तना निशांत भाई तारों में अरे वाह निशांत भाई का तो क्या कहने भाभी जी टांग के नीचे निकल के दिखा दो ऐसे ही नहीं खड़े थे अरे ऐसा ना करो उठाएंगे जब वो देखो अब देखो क्या होगा अब देखियो क्या होगा ओ भाई अब क्या होगा देखो अड़िया चप्पल भी ऐसी है घुटनों पे आ जा जेसीबी मशीन का बुलडोजर चाचा जी की लो अब चाचा जी आएंगे चाचा जी की बारी है ये चाचा जी तो स्टंटमैन है मुंबई की कई बॉलीवुड पिक्चर में काम कर चुके हैं स्टंटमैन का वाओ वेरी गुड अब चलते हैं सीधा उड़न खटोले में उड़न खटोले की टिकट हो रही है भाई भाई लाइन में लग चुके हैं लाइन में भीड़ बहुत है आशा दिखाई आगे कहाँ तक लाइन है। टाइम पास के लिए कुछ करते हैं मूंगफली करकरारी मूंगफली करकरारी मूंगफली सिंगाड़े बेचू आप सिंगाड़े नींबू मसाला पड़े ताजा ताजा गरम गरम मूंगफली बड़े भाभी पता क्या बेचना जो भाभी जी कहते हैं वही बेच देंगे हम ताजे 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 सिंगाड़े बहुत राशन बेच दिया हमने दुनिया भर का क्या खिला दूं स्वीट कॉर्न 30 रुपए के स्वीट कॉर्न 30 रुपए के स्वीट कॉर्न ले जा फ्री लूट गया माल फ्री के स्वीट कॉर्न फ्री के स्वीट कॉर्न खाली बैठा हूँ ले ले भाई चलो भाई चलो। तो भाई एक काम की बात बताता हूँ आपको मैं उड़न खटोले में आ जाइयो पर कभी जाइयो मत आ जाए करो जाइयो मत आधा घंटा हो गया हम इस लाइन में लगे हुए आधे घंटे से सांप की तरह घुमा रखा है इन्होंने इससे बड़े तो हम आ जाते और भागे चले जाते हैं सीढ़ियों से बस ये है कि मैं चाची जी के पास आना पड़ा इधर हाल देखो इधर देखो वहाँ से आए हम अब आए ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे बस फिर उधर चक्कर काटेंगे नहीं हमें इतना थका दिया 5-6 दुकान आ ली इनकी थक थका के आदमी को मजबूरी में लेना ही पड़ेगा ये ओडंगा ऐसा हाल ठा रखा है इन्होंने कम से कम 1.5 घंटा हो गया मैं जिंदगी में नहीं बैठना वही उड़न खटोले में सीढ़ियों से जाओ सीढ़ियों से ही आओ आ जाओ भले ही बल्कि आप तेज भी नीचे भीड़ होगी भाई कभी ना जाइयो अब थका थका के इन्होंने रेस्टोरेंट कैंटीन में घुमा रखी है लाइने अभी अब बिचार ही हैं इनके साथ चले जाऊँ बच्चा बड़ा भाई कहाँ जाएगा भाई तो अकेले चले गए देवी का ध्यान रखिए टूटू देवी का ध्यान रखिए चलो जा रहा हूँ भगवान भाई थैंक यू हैं तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा यहाँ पे वीआईपी हूँ
भाई है ना बहुत बुरी तो जा रही। अरे बाबा और निशान भाई मम्मी मेरी देर था पीछे पीछे देखो आप भी नहीं पीछे हे भगवान निशान भाई मुझे डर नहीं लग रहा हे भगवान पूरा हरिद्वार कितना सुंदर लग रहा। भाई यहाँ पे हम बैठे हुए अब मैं पूरा इसमें पूरा हरिद्वार आ रहा है पीछे पूरा हरिद्वार भाई यहाँ से दिख रहा है जबरदस्त एकदम। हरिद्वार मेरी जान भाई ये इस बेड के भरोसे जा रहे हम देखो नीचे घुमाने को दिखाना है देखो भाई नीचे बहुत गहरा है। फिलहाल हम बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज्यादा ऊंचे हैं या वो इससे भी ज्यादा ऊंचा है नहीं वो इससे भी ज्यादा ऊंचा वापस वो बादलों में घुस जाता है। और भाई जब इस पर आते हैं हम इस वाली चीज पाते हैं तो ऐसे वाइब्रेशन होती है गड़ अब देखियो कैसे होगा इस पत्ती जिससे ऐसा नहीं लगता भाभी जी हो। ये ट्रॉली भाई हम छोटे से थे मैं और निशांत भाई जब से हमें देख रहे हैं पापा मम्मी पापा हमें लेके आया करते थे तब भी ये ट्रॉली थी और आज भी ये ट्रॉली है। ट्रॉली आ रही है देखो किस तार पे लटकी है देखो किस टाइप से तार पे देखो देखो अभी देखो इस तार पे कितना वजन सा गिर रखा है इसने भाई बहुत बहुत ज्यादा था ना मैं तो भाई भाई साहब बहुत मोटी है। अब देखो तार को कैसे दबा रखा है इसने वो भी 100 रुपए में हम इस ट्रॉली का मजा ले रहे हैं कितने घंटों की होती है। पर भाई आप ट्रॉली से आ जाए करो जाइयो मत ट्रॉली में कभी भी कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए हमें बिरान होते हुए ट्रॉली से आ जाओ जाओ पैदल हाँ जाओ पैदल क्योंकि बहुत भीड़ है चढ़ना हार्ड होता है उतरना फिर भी आसान होता है बहुत ज्यादा आसान होता है हमने किया उल्टा। अब देखो ये ट्रॉली का पूरा लुक है हमारी ट्रॉली अगर अंदर से देखोगे ना आप ये ट्रॉली है हमारी पूरी 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 ट्रॉली आ रही है इसमें नीचे भी तो अगर नीचे से ट्रॉली लेके वहाँ और नीचे कोई खास सुविधा नहीं दे रखी उन्होंने वही पट्टे लगा रखे हैं देसी मतलब पन्नी लगा रखी है पर पैसे भी सस्ते ही हैं है नहीं भाभी जी पैसे भी सस्ते अब हम आ चुके हैं नीचे ये हमारे लिए गेट खोला गया तो बच्चे हमारे ये रहे तो ये चाचा जी आ चुके हैं हमारे कैसा रहा बढ़िया वंडरफुल। अब भाई बाहर निकलते हैं यहाँ शोर शराबा बहुत है तो अभी हम भाई मनसा देवी से नीचे गंग नहर पे फिर से वापस आ चुके हैं और बहुत ज्यादा थक रहे हैं खाना वाना खाने की सोच रहे कुछ अब अपना खाना वाना खाएंगे। A few moments later. अभी हम आ चुके हैं सर्वानंद घाट पे और ये पूरा हरिद्वार निकल के पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मेरे कैमरे की बैटरी बहुत कम हो रही है इसलिए फटाफट आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सब खाना वाना खा रहे हैं पूरी टीम देवू टूटू और चाचा जी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और बहुत साफ़ सुथरा है और सामने स्नान करेंगे हम भूख इतनी लग रही है टीम को कि पूछो मत। और खाने में यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको दिखाऊँ दाल चावल है मट्ठा है सब कुछ है जो होना चाहिए सलाद वलाद हम घर का खाना ले गए थे भाई अब हम खाना खाएंगे थोड़ा सा नहाएंगे वैसे हम उल्टा कर रहे हैं पर भूख इतनी लग रही है क्या करें खाते रहेंगे नहाते रहेंगे। निशांत भी बता रहा है मुझे कि भाई मेरी रील बना दो और ये गंगा यहाँ से फिर एंटर कर जाती है हरिद्वार के अंदर और जहाँ हम नहा रहे हैं यहाँ पे बस पानी हरिद्वार के अंदर आता ही है और फिर हड़की पौड़ी पर चल जाता है ऐसे तो आप देखो कितना सुंदर घाट है भाई ईमानदारी से बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे पीछे टॉयलेट भी है और इधर कपड़े चेंजिंग का भी है। तो देखिए ये शरारत कर रहे थे एकदम इतनी बहादुरी के बाद एकदम कमजोरी थी नीचे कैसा
भाई बस हमने स्नान करके सबने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और अब हम चल रहे हैं घर इस घाट से। तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद आपको आज का व्लॉग हमारा बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। जय गंगा मैया।